हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो दोस्तों, आज थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल ही चुका होगा कि आज मैं लेके आई हूँ होम टूर वीडियो। हमारा घर पुराना है और बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन बहुत ही क्यूट है, बहुत प्यारा है और मुझे बहुत पसंद आता है अपना घर। तो चलिए शुरुआत करते हैं टूर की। देखिए दोस्तों, ये हमारा आंगन है और पूरा आंगन मैंने पूरा गार्डन बना के रखा हुआ है। इसका वीडियोज़ भी मैंने शेयर किया है आप लोगों के साथ। तो कुछ ऐसा दिखता है बाहर से हमारा घर बिल्कुल सिंपल है, असम टाइप हाउस है, बिल्डिंग नहीं है दोस्तों, ये देखिए। और ये जो डिज़ाइंस है ना दोस्तों, ये मेरे अब्बा ने दिया है, मतलब उनका आइडिया है। और चलिए शुरुआत करते हैं वरांडा से। वरांडा का मेकओवर मैंने शेयर किया था आप सभी के साथ, तो वही है। थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ है सामान, बाकी बेसिक तो सब कुछ वैसा ही है जैसा वीडियो में शेयर किया था। प्लांटर्स हैं, प्लांट्स हैं, कुछ डेकोरेटिव आइटम्स हैं जो मैंने अपने हाथों से बनाए हैं, तो इसका वीडियो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो मेरे चैनल में है, ज़रूर से देखिएगा। दोस्तों, हमारे वरांडा से दो दरवाजे निकलते हैं, एक तो ड्राइंग रूम की तरफ और दूसरा मेरे रूम की तरफ। तो चलिए पहले देख लेते हैं हमारा ड्राइंग रूम। और दोस्तों, मैं रिपीट करना चाहती हूँ कि हमारा ड्राइंग रूम, नॉट ड्राइंग रूम, हमारा पूरा घर बहुत ही पुराना है, लेकिन फिर भी मैंने इसे बहुत ही प्यार से, मैंने और अम्मी ने, दोनों ने मिल के बहुत ही प्यार से सजाया है। और मुझे अपना ड्राइंग रूम बहुत पसंद है क्योंकि सारा डिज़ाइन मैंने ही किया है, कहाँ क्या रहेगा सब कुछ मैं ही करती हूँ। तो चलिए टूर करते हैं। ये देखिए, कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर्स भी रखा हुआ है। दोस्तों, ये है हमारा 6 सीटर वाला डाइनिंग टेबल, और इसके ऊपर जो मैट आपको दिख रहा है वो मैं ट्रेड फेयर से लेके आई थी। यहाँ पे मनीराम देवान बोल के एक बिल्डिंग है जहाँ पे ट्रेड फेयर्स होते रहते हैं, वहाँ से मैं लेके आई थी 700 रुपये में। फिर यहाँ पे अलमीरा है दोस्तों, और यहाँ पे सोफ़ा है, और ये देखिए बहुत ही प्यारे फ्लावर्स हैं जो मैं फैंसी बाज़ार से लेके आई थी, काफ़ी पुराने हैं। और ये एक स्टैंड मैं ही लेके आई थी, और इसमें मैंने इस तरह से टॉयज़ रख दिए हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे टॉयज़। ये देखिए मिकी माउस है, लायन है, और ये देखिए केजेस, ये मैंने अमेज़ोन से ऑनलाइन ऑर्डर किए हैं दोस्तों, बहुत ही प्यारे हैं। और ये हमारा सोफ़ा सेट है, और यहाँ पे है ये टी टेबल, ये भी मैं लोकल शॉप से लेके आई थी, और ये फ्लावर्स भी मैं ही लेके आई हूँ। यहाँ नीचे कुछ एल्बम्स रखी हुई हैं दोस्तों। ये वॉल डेकोरेशन का पीस मैं ऑनलाइन लेके आई थी अमेज़ॉन से। और इस तरफ है वॉश बेसिन, और इस तरफ दोस्तों एक छोटा सा शोकेस है जहाँ पे कुछ सामान है। देखिए कॉफ़ी कप, वास, फ्लावर पॉट्स, इस तरह से कुछ हैं। और वॉल में ये मेरे अब्बा के सर्टिफिकेट्स हैं, वो बहुत अच्छा लिखते हैं, तो साहित्य सभा से उनको सर्टिफिकेट्स मिली हुई हैं जो यहाँ पे टंगा हुआ है। और प्लांट्स हैं, देखिए मनी प्लांट लगाया हुआ है बॉटल में, पानी में डाल के रखा है मैंने, 2 बॉटल्स हैं। फिर ये रहा एक्वेरियम, ये इनमें 3 फिशेज हैं, काफ़ी सारे फिशेज थी बिगिनिंग में लेकिन मर गए सारे, अभी ये 3 पूरी तरह से स्टेबल हो चुके हैं और ये नहीं मरने वाले। बाकी ये तो मैंने ही बनाया है, मेरे वीडियो, इसका वीडियो मेरे चैनल में है दोस्तों। और ये मेरा जो शोकेस है, यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे सामान रखे हैं जो जब भी मैं कहीं घूमने जाती हूँ तो वहाँ से एज अ सोविनियर कुछ खरीदती हूँ तो मैं उसे यहाँ पर रख देती हूँ। फिर इस तरफ घूमते ही हमें मिलता है हमारा डाइनिंग टेबल, और बीच में जो ये बास्केट है दोस्तों, ये मैं फैंसी बाज़ार से लेके आई थी, और इस पे जो ये कप जैसा है, पेन स्टैंड जैसा है, ये सब कुछ मैंने ही यहाँ पे अरेंज किया है, और ये मनी प्लान भी। और वॉल में जो ये लिपन आर्ट किया है, ये मैंने ही किया है। और इधर ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स है, और ये जापी हम लोगों का ट्रेडिशनल सिम्बॉल है, उसी के साथ ये हराई, और ये एक छोटा सा अलमीरा है जहाँ पे कुछ ज़रूरी सामान है। और पास में ही ये बैम्बू का स्टैंड है जहाँ पे मैंने आर्टिफिशियल फ्लावर्स रखा हुआ है, क्योंकि नेचुरल फ्लावर्स रखना थोड़ा प्रॉब्लम है, नॉट फ्लावर्स, प्लांट्स, तो मर जाते हैं, इसलिए मैंने रखा हुआ है। तो दोस्तों, हम निकल चुके हैं ड्राॅइंग रूम से, और इस तरफ है मेरा रूम। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि मेरा रूम कैसा है। मोस्ट वेलकम टू माई रूम। तो दोस्तों, दिस इज़ माई रूम,
घुसते ही अंदर सबसे पहले क्या होना चाहिए, प्लांट्स, क्योंकि मुझे प्लांट्स बहुत पसंद है। तो ये देखिए, मैंने एक फिलोडेंड्रॉन का प्लांट अपने टेबल के बिल्कुल पास रखा हुआ है, और ये टेबल है जहाँ पे मेरा पढ़ाई का सामान है, एक ब्लूटूथ स्पीकर है क्योंकि मैं गाना सुनते सुनते काम करती हूँ, साथ में एक लकी बेम्बो का प्लांट है, और दोस्तों ये फेस पैक है, और ये मेरा बैग, कहीं भी जाती हूँ तो इस बैकपैक को साथ लेके जाती हूँ। ये है मेरा स्टडी टेबल, फिर यहाँ पे देखिए रिमाइंडर बोर्ड है, क्योंकि मुझे चीज़ें भूलने की आदत है, मैं भूल जाती हूँ तो यहाँ पे लिख के रखती हूँ ताकि मुझे याद आ जाए। यहाँ पे कुछ कैलेंडर्स मैंने लटके हुए रखे हैं। फिर इसी के पास में है ये एक टेबल जहाँ पे मैंने अपना एक्सटेंशन रखा हुआ है, जहाँ पे मैं अपने मोबाइल चार्ज करती हूँ। फिर इसी के पास ये सोफ़ा भी रखा हुआ है, कभी कभी मैं सोफ़े पे भी बैठ के पढ़ लेती हूँ, कभी बेड पे। और ये मनी प्लांट दोस्तों मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, यहाँ कोने पे रख दिया है। और ये देखिए एक शेल्फ़ के जैसा है जहाँ पे मेरी ज़रूरी सामान है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं दोस्तों, ऑयल्स हैं, नेल पॉलिश रिमूवर, पेन, पेंसिल, बहुत कुछ है यहाँ पे। और यहाँ पे ये छाटा जो मैं शिलोंग से मैंने ख़रीदा था, इसे काफ़ी बड़ा है ये, और ये मुझे मेरे छोटे जीजू ने ख़रीद के दिया था शिलोंग में। इसको लेगने से तो बिल्कुल भी आप बारिश में नहीं भीगने वाले। और इस तरफ बेड है, इसके ऊपर ये दो छोटे छोटे ऐसे ही मैंने लगा के रखा है, एक छोटा सा जापी है, उसके नीचे एक वॉल हैंगिंग है, और यहाँ पे मेरा बेड है और इसके ऊपर बेड टेबल भी है। तो दिस इज़ माय रूम दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा बेडरूम, बेडरूम के अंदर आते ही कुछ इस तरह से है, देखिए। बेडरूम में घुसते ही दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड में है ये मिरर, और इसी के पास में एक स्टूल भी है जहाँ पे बैठ के हम अपना काम करते हैं। और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, मम्मी के घुटनों में दर्द रहता है तो वो इन्हें कभी कभी यूज़ करती हैं, तो मैंने इन्हें यहीं पे रख दिया है ताकि उन्हें ढूंढने में परेशानी ना हो। इस तरफ देखिए कपड़ों को रखने के लिए ये वाला चीज़ है, पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं, हम तो डार बोलते हैं। फिर ये हमारा पुराना, बहुत पुराना बेड है दोस्तों, ये मम्मी की शादी में आया था, बहुत सालों पुराना है, अभी भी बिल्कुल बढ़िया से है। और इस तरफ है एक स्टील का बेड, जब भी कोई मेहमान आते हैं या फिर दीदी लोग आते हैं रहने के लिए तो इसी बेड का यूज़ करते हैं। और इसके ऊपर ये देखिए वॉल स्टिकर लगाया है मैंने, जो मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था। पास ही में एक प्लास्टिक रैक है जहाँ पे ज़रूरी सामान है जो फटाक से चाहिए तो यहीं पर मिल जाते हैं, देखिए वॉलिनी स्प्रे वगैरह सब कुछ है यहीं पर। और ये इसी के पास दोस्तों ये किचन है, किचन में हम बाद में जाएंगे, पहले इस रूम को एक बार देख लीजिए। और अब चलिए उस तरफ, इस वाले रूम की तरफ दोस्तों। इस वाले रूम में सारे अलमीरा रखे हुए हैं, टोटल चार अलमीरा है, जिनमें से दो मेरे हैं, एक अम्मी का है और एक अम्मी और अब्बू दोनों का सामान रहता है। ये देखिए ये पहला वाला मेरा है, दूसरा वाला मेरा है, तीसरा वाला जो बड़ा वाला है वो अम्मी और अब्बू का है। और ये देखिए दोस्तों, ये जो वुडन अलमीरा है ये अम्मी के शादी का है, काफ़ी पुराना है लेकिन अभी भी बढ़िया से चल रहा है। इसी के पास में रखा हुआ है कूलर, पहले हम जब एसी नहीं था तो कूलर यूज़ करते थे, लेकिन अब एसी आ चुका है तो कूलर अभी इसका यूज़ नहीं होता है तो यहाँ पर रख दिया है। और ये हमारे नमाज़ पढ़ने की जगह है, अम्मी और मैं दोनों यहीं पे नमाज़ पढ़ते हैं। और सामने ये टेबल है जहाँ पे धूप वगैरह हम लगाते हैं कभी कभी, ये देखिए। और ये जो बॉक्स दिख रहा है ना दोस्तों, ये मैंने ही बनाया है, DIY है मेरा। और यहाँ पर एक स्टूल है दोस्तों, ये अलमीरा मेरा है और इसके ऊपर मेरे ही सामान रखे हुए हैं मैंने। पास में ये इन्वर्टर है और पास में वो नमाज़ पढ़ने के लिए मैट है। ये अलमीरा भी मेरा है, यहाँ पे मैंने अपने सामान और बुक्स रखे हुए हैं, बैग्स रखे हुए हैं। पास ही में मेरा योगा मैट भी आप लोगों को दिख रहा होगा, बीच बीच में मैं यूज़ करती हूँ, हमेशा नहीं, हमेशा टाइम नहीं होता है मेरे पास। और ये वाला अलमीरा अम्मी और अब्बू दोनों का है। और अब चलते हैं ये इस वाले रूम में। इस रूम का ज़्यादातर इस्तेमाल अब्बा करते हैं, यहाँ पे वॉशिंग मशीन भी है, कपड़े यहीं पे धुलते हैं, टीवी भी है, अब्बा अम्मा को अगर टीवी देखना हो तो यहीं बैठ के देखते हैं। ये देखिए ये एक रैक के जैसा है, यहाँ पे अब्बा ने कुछ सामान, पुराने सामान और हथियार वगैरह रखा हुआ है, जैसे हथौड़ी वगैरह और कुछ पुराने सामान हैं। और ऊपर ये बॉटल्स, ये सब कुछ अब्बा का है, वो यूज़ करते हैं ये सारे सामान।
तामुल भी खाते हैं ना, तो ये तामुल का है। और पास में दो चेयर हैं, एक अम्मी के लिए, एक अब्बू के लिए। फिर जिम साइकिल है, ये मेरा था लेकिन अभी अब्बा यूज़ करते हैं, साइकिलिंग करते हैं। उनका कहना है कि साइकिलिंग करने से उन्हें अच्छा लगता है, उनके पैरों में जोर आता है, तो इसलिए। और दोस्तों ये सिलाई का मशीन है जिसे अम्मी यूज़ करती है, और ये भी काफ़ी पुराना है, 30 साल से ज़्यादा तो हो चुका होगा इसका, बहुत पुराना है, लेकिन अभी भी अम्मी इसे यूज़ करती हैं, अभी भी ये चलता है। और ये हमारा वॉशिंग मशीन है। और इस तरफ है हमारा पुराना वाला टीवी, लेकिन फिर भी बढ़िया चलता है, और अम्मी अब बड़े ही शौक से इसे देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं। मम्मी तो असामिस सीरियल वगैरह देखती हैं। और इस तरफ देखिए, यहाँ से हम बैकयार्ड में जाते हैं, ये है बाथरूम जो अब्बा यूज़ करते हैं, और ये देखिए हमारा बैकयार्ड है, काफ़ी सारे पेड़ हैं और वेजिटेबल्स भी यहाँ अम्मी अब्बू लगाते हैं, मेनली अम्मी लगाती हैं। और ये काउशेड है, हमारे पास एक गाय थी लेकिन अब नहीं है, तो उसके लिए बनाया गया था, अब भी ये ऐसे ही पड़ा हुआ है। और ये देखिए यहाँ पे सब्जियाँ हैं। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं किचन में, और हम आ चुके हैं किचन में, ये है हमारा किचन। दोस्तों हमारे किचन में एंटर होते ही लेफ्ट हैंड साइड में है ये छोटा सा डाइनिंग टेबल, जिसे अम्मी अब्बू और मैं तीनों यूज़ करते हैं खाना खाते वक्त। ये अचार है, यहाँ पे चिल्ली और नमक है, और इस रैक में कुछ ज़रूरी सामान है जो यूज़ होता है। पास ही में है फ्रिज, और फ्रिज के पास दोस्तों ये हम डोला बोलते हैं, डोला काफ़ी यूज़ होता है किचन में इसका। और यहाँ पर है अम्मी के दवाइयों का डब्बा, सारे ज़रूरी दवाइयाँ यहीं पर रखा हुआ है। और इस वाले सूटकेस में सारा क्रॉकरी का सामान है, ऊपर भी कुछ रखा हुआ है। और यहाँ पे है देखिए दोस्तों चावल आटा सब कुछ यहाँ पे रखा हुआ है, नीचे भी कुछ कुछ सामान है। ये अम्मी ने दाल भिगो के रखा हुआ है, उड़द की दाल है, आज उड़द की दाल बनने जा रही है तो मम्मी ने भिगो के रख दिया है। बाकी ये देखिए, ये ऊपर भी कुछ कुछ सामान रखा हुआ है। और यहाँ पे आज की सब्जी बन चुकी है, दाल बननी बाकी है, सब्जी बन चुकी है, ये रहा। और पास ही में है दूध, और ये बाल्टी कचरा फेंकने के लिए है, किचन का वेस्ट यहाँ पे डाला जाता है। और दोस्तों ये फ़िल्टर्स हैं जो पहले यूज़ होती थी, अब नहीं होती है, अभी तो हमने वाटर प्यूरीफायर वो शार्प वाला लगा लिया है। ये एक अलमीरा है, बहुत पुराना है, ये भी मम्मी की शादी के टाइम का ही है, इसके ऊपर भी कुछ सामान वगैरह रखा हुआ है। और अंडर डब्बे हैं जिसमें किचन के सामान हैं, बेसन है, चावल है, सॉरी चावल तो नहीं है, चीनी है, बाकी सामान है। तो दोस्तों किचन में बस इतना ही है, चलिए एक बार फिर से देख लीजिए। और किचन से निकलते ही दोस्तों ये हम बाहर आ जाते हैं, तो इसी के साथ हमारा होम टूर होता है ख़त्म। ये चूल्हा है दोस्तों, अम्मी ने अपने हाथों से बनाया है, कभी कभी यहाँ पर भी वो खाना बनाती हैं जब भी मौसम अच्छा हो, ठंडा हो, क्योंकि यहाँ पे धूप आती है तो गर्मी में तो करना मुश्किल है। तो दोस्तों आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए, और अगर पहली बार चैनल में आए हैं तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये दोस्तों पानी फ़िल्टर करने वाला अरेंजमेंट किया हुआ है यहाँ पर। तो दोस्तों आज लेती हूँ विदा, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।